The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Alright, so respiratory infections, hum baat kar rahe hain acute infection ki. Dekhiye, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मतलब आपको सांस लेने में, आपकी सांस की नली में इन्फेक्शन हो रहा है. अब जैसा हमने आपको बता चुके हैं कि सांस की नली क्या होती है और सांस की नली ट्रकिया से शुरू होकर छोटे छोटे ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स में पूरे सांस की नली फैलती है. और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें दो भाग में डिवाइडेड है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम. अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके साइनसेस से शुरू होते हैं, आपके जो साइनोसाइटिस होता है, जो आपके नाक में इन्फेक्शन होता है, फेरेंजाइटिस होता है, जो आपका नेजोफेरिंग्स है, नाक और मुंह के ऊपर का जो जॉइंट है अंदर, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. और वोकल कॉर्ड, यानी जहां से आप बातचीत करते हो, जहां से आपकी ये विंड पाइप शुरू होती है, ट्रकिया शुरू होती है, वहां पर एंड हो जाता है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक. सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बहुत ही आसानी से कंजेस्ट हो जाता है. थोड़ा बहुत ठंडा खा लिया, थोड़ा ठंडा लग गया, थोड़ा दही खा लिया, ठंडा ठंडा केला खा लिया. सो ठंडी चीज़ों से कंजेशन हो सकता है, किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, किसी ने खांसी कर दी, किसी को वो हो गया. तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सारे कोल्ड, सारे कफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जब ट्रकिया, जब उस वोकल कॉर्ड के नीचे ट्रकिया के अंदर, ब्रोंकस के अंदर, विंड पाइप के अंदर, एयरवे के अंदर, वहां पर इंफेक्शन पहुंच जाए, तब उसे कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी. और वहां पर ये दिक्कत ज्यादा कर सकता है, वहां भी खांसी होगी, वहां भी म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहां भी बलगम आएगा. और यहां पर लेकिन डेंजरस इन्फेक्शन हो, गला ऊपर का गला खराब होने से जान नहीं जाती, लेकिन ऐसा हो सकता है अपर से लोअर में चला गया इन्फेक्शन, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार. और बच्चों में खासकर और बुढ़ापे में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन डेंजरस हो सकता है, और जिनको इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम है उनको. सो याद रखो, अगर आपको किसी भी प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, आपको नेजल साइनस कंजेशन हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, खांसी हो सकती है, सोर थ्रोट हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, फटीग हो सकता है, और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी आपको खांसी, बलगम हो सकता है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डिजीनेस, चक्कर भी आ सकते हैं, इवन 103 से ज़्यादा बुखार भी हो सकता है, तो वो डेंजरस जाने लगेगा. और इवन आप बेहोश हो सकते हो, क्योंकि वही एरिया है जहाँ सारा ऑक्सीजन बॉडी में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, वहाँ पे इश्यू हो गया तो प्रॉब्लम. सो क्या डिवीजन है इसका. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम फेरेंजाइटिस बोल सकते हैं, ईयर इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है, कोल्ड के वजह से हो सकता है. और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं आपके निमोनिया, जी हाँ निमोनिया, आपका ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकियोलाइटिस. अब ये क्या, ब्रोंकाइटिस मतलब बड़ी वाली सांस की नली, और ब्रोंकियोलाइटिस मतलब उसके नीचे छोटी छोटी नली, और निमोनिया मतलब पूरे ही उसके जो नीचे लंग्स हैं, एक्चुअल एयर जो एल्वियोला है वहां तक फैल चुका है. सो दैट इज वन थिंग. किसको रिस्क है, किसको होगा, सबको रिस्क है, लेकिन सबसे ज्यादा किसको है, जो लोग छोटे बच्चे हैं, बुढ़ापे में हैं, बूढ़े हैं, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, कोई इम्यून मॉड्यूलेटिंग दवा लेते हैं, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को ऑलरेडी लंग की डिजीज है, कोई स्मोकिंग करता है, तो ऐसे लोगों को रिस्क ज्यादा है ऐसी बीमारियां होने का. सो इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, खांसी है, बलगम है, सांस में दिक्कत है, बुखार है, गला बहुत ज्यादा खराब है, समथिंग लाइक दिस, तो फिर टेस्ट करने के लिए ऑब्वियसली देखिए, याद रखिए, रेस्पिरेशनरी में, गले में अगर खराश है तब भी खांसी आएगी, और छाती में लिटरली पानी भरने लगे छाती में, जी हाँ, उसमें दो तीन तरीके से होता है. एक तो होता है अगर लंग में पूरा नीचे तक निमोनिया हो गया है तो लंग ही पानी छोड़ सकता है, और लंग के बाहर पानी आ सकता है, तो लंग के कवरिंग में पानी आ जाएगा, वहां भी आ सकता है. और
कभी लंग के छोटे 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 जो गुब्बारे हैं, एल्वियोला है, उनमें अंदर, उनके अंदर भी पल्मोनरी एडिमा यानी पानी आ सकता है वहां पर। सो ये दोनों तरीके से पानी आ सकता है, एक तरफ लंग के बाहर पानी आएगा, तो जब आप बाहर से स्टेथोस्कोप से सुनेंगे हम तो आवाज ही नहीं आएगी वहां पर जहां पे पानी आ गया, क्योंकि वहां डिक्रीज्ड साउंड आ जाएगी, वहां पे प्रॉपर एयर ही नहीं आएगी, राइट। सेम वे, और अगर एल्वियोलाए में उसके जो आपके गुब्बारे हैं जो फूलते हैं उसमें पानी आएगा, तो गुब्बारे के अंदर पानी से पटपट की आवाज आएंगे, पटपट, सो उसको क्रेप्स बोलते हैं। सो क्रेप्स की आवाज आने लगी तो भाई इसमें पानी आ गया। सांस की नलियां पतली हो जाएंगी तो बांसुरी जैसी सांस में वीजिंग आनी शुरू हो जाएगी, वीजिंग आनी शुरू हो जाएगी, और सांस की नली में छोटी हो गई तो, और पानी ज्यादा आ गया उसमें, तो जैसे के पानी में फूंक मारते हो ना वैसी आवाज आने लग जाएंगी। सोचो पानी में फूंक कैसे मारते हो, वो रेल्स रोंकाए वैसे होते हैं। सो आवाजों से हम समझ सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है। चेस्ट में चारों तरफ तीनों तरफ देख के, आगे पीछे से देख के हम समझ सकते हैं कि बीच चेस्ट में क्या हो रहा है। तो डायग्नोसिस पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। सो आपके चेस्ट के साउंड देखते हैं, एबनॉर्मल साउंड से पता चल जाता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि इसको सीटी स्कैन की जरूरत है या एक्सरे चल जाएगा। एटलीस्ट एक्सरे तो करना ही पड़ता है अगर हमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी छाती को देखना है, तो एक्सरे में हमें फिर पता चल जाएगा कि भाई लंग में पानी भरा है, पल्मोनरी एडिमा है, इन्फेक्शन है, पूरा का पूरा कंजेशन कंसोलिडेशन हो रखा है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, क्या है, कुछ आइडिया मिल जाता है। मगर कई बार इनिशियल स्टेज में नहीं पता चलता, तो छोटी बीमारियां इनिशियल स्टेज में पकड़ने के लिए सीटी स्कैन करना पड़ता है। सीटी स्कैन यानी एचआरसीटी चेस्ट भी करना पड़ सकता है, एचआर यानी हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट, ठीक है। इसके अलावा लंग फंक्शन टेस्ट नाम की चीज आती है, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या सिंपल पल्स ऑक्सीमीटर जो आपके उंगली में लगा के ऑक्सीजन देखते हैं, उससे भी थोड़ा आइडिया मिलता है कि अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सही मात्रा में ही नहीं जा रहा तो बीमारी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जा रहा है तो बीमारी है ही नहीं, बीमारी फिर भी हो सकती है, इनिशियल स्टेज में हो सकती है, कम मात्रा में हो सकती है, माइल्ड फॉर्म में हो सकती है, सो हो सकती है। सो लंग फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ये सब किया जाता है, और आपका इवन गले का स्वाब ले सकते हैं, बलगम की जांच कर सकते हैं, खून की जांच कर सकते हैं, इन सब से हमें पता चल सकता है, कल्चर कर सकते हैं, उसका टेस्ट कर सकते हैं कि भाई इसमें कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, क्या है, ब्लड में, आपके म्यूकस बलगम में, फलगम में, जो भी बोलो आप, स्पूटम में, और इवन थ्रोट स्वैब में। सो इससे हमें पता चलेगा कि ये कौन सा वायरस, ये वायरस तो नहीं है, ये बैक्टीरिया तो नहीं है, ये फंगस तो नहीं है, ये क्या है, ठीक है, क्या अंदर गया आपके जो हो गया। इस बीच आपको ठीक रखना है, इस बीच आपको कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो सांस नहीं आएगी, सैचुरेशन नहीं पहुंचेगा, आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा, दिमाग को तो बौखलापन आने लगेगा, उल्टा सीधा बोलोगे बेहोशी आने लगेगी, बेहोश हो सकते हो। रेस्पिरेटरी अरेस्ट मतलब सांस ही नहीं ले पा रहे हो, तो सीधा फिर वेंटिलेटर पर जाएंगे। रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब आपका कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा बॉडी के अंदर। सो एबीजी आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस नाम की चीज होती है, जो इमरजेंसी में डायरेक्ट की जाती है आपके यहां से या फिर वहां से आर्टीरियल खून लेके, जो नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है वो वीनस होता है, वो खून की नस होती है जो बाहर वापस लेके जा रही है, यहां पर जो हाई प्रेशर वाला आर्टरी वाला ब्लड है जो आ रहा है उसको लेके ब्लड गैस देखे जाता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। सारे शरीर में ऑक्सीजन यूज करने के बाद चेक नहीं कर सकते कि भाई हाँ इसमें तो ऑक्सीजन कमी है, ऑब्वियसली यूज करने के बाद, इसलिए आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है इमरजेंसी लेवल पे, और एबीजी में पता चल जाता है, आईसीयू में भी होता है, हॉस्पिटल में होता है, ये कि पता चल जाता है कि ब्लड में कितने गैसेस हैं, कितनी एसिड है, कितना लैक्टिक एसिड है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना ऑक्सीजन है, कितना बाइकार्ब है, तो कितनी गहरी बीमारी है, रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक है, वो आइडिया मिल जाता है। हार्ट की बीमारी में भी सांस फूल सकता है, जब हार्ट फेल होता है, हार्ट आगे पंप नहीं करता है तो बैक प्रेशर होता है, आगे पंप नहीं करेगा तो जाम हो गया, जाम में तो बैक होगा, गाड़ी तो स्लो होगी, ब्लड स्लो होगा, बैक प्रेशर कहाँ, हार्ट में ब्लड कहां से आता है, लंग्स से साफ होके ऑक्सीजनेट होके हार्ट में जाता है ताकि हार्ट पंप करे सारी जगह।
तो जब आगे नहीं जाएगा तो पीछे कहाँ जाएगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स में प्रेशर बढ़ेगा पल्मोनरी एडीमा, फिर एक एक फुफुले जो छोटे छोटे एल्वियोलाय में आपके फ्लूइड बनना शुरू हो जाएगा, पानी आना शुरू हो जाएगा। सो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ये तीन खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है जिनको आपको हमें बचाना होता है। तो आप खुद को कैसे बचाओगे, कैसे बचाओगे? आप खुद को बचाओगे अपनी छोटी छोटी बीमारियों को प्रिवेंट करके, आप अपना वैक्सीन लगवा के अपने सही उम्र में बच्चों को MMR, पर्ट्यूसिस, इन्फ्लुएंजा, फ्लू शॉट्स, इन सब के वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इनके वैक्सीन लगवाइए। इससे क्या होगा, वो बीमारियां आपके अंदर जाएंगी भी तो आप बीमार नहीं होंगे या ज्यादा बीमार नहीं होंगे। सो वैक्सीन आर गुड, वैक्सीन सबको लगानी चाहिए, हर साल फ्लू शॉट लगाने चाहिए और हाइजीन मेंटेन करके रखिए। भाई हम अपना हाथ सही से धोएं, पब्लिक प्लेसेस में छींके ना, कोई छींक रहा है तो उसको समझाएं, भाई टिश्यू पेपर यूज कर ले बेटा, इधर छींक ले, हाथ में छींक ले, फिर हाथ धो लो, अल्कोहल स्वाब ले लो। वी हैव एक्सप्लेन दिस मेनी टाइम्स इन द पास्ट, सो यू नो हाउ टू डू हैंड हाइजीन, हाउ टू प्रिवेंट दिस। ऑब्वियसली लाइफस्टाइल तो इम्पॉर्टेंट है, सिगरेट बीड़ी तंबाकू पियोगे, खुद की ऐसी तैसी करोगे, दारू पियोगे, विटामिन कमी होगी, वजन बहुत कम होगा, वजन बहुत ज्यादा होगा तो बीमारियां तो आएगी। सो हेल्दी रहो, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बचा के रखो। सो दिस इज अबाउट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। होप यू लाइक द वीडियो, होप यू शेयर द वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।